बॉलीवुड की तरह भोजपुरी में भी एक के बाद एक फिल्म आ रही है। हिंदी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के बाद भोजपुरी में दौड़ेगी काशी एक्सप्रेस। और आपको बता दें कि इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे राजकुमार प्रजापति और इसे डायरेक्ट करेंगे दिनेश मिश्रा। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों की पहली फिल्म है, लेकिन दर्शक को लुभाने के लिए इन्होंने कॉमेडी और रोमांस का भरपूर लाभ उठाया है। एल्बम के साथ साथ मैं काशी एक्सप्रेस भी एक फिल्म है उसको भी कर रहा हूँ, और आज इस जवानी के जंक्शन के मुहूर्त के साथ साथ मैं इस फिल्म का अनाउंसमेंट भी मैं कर रहा हूँ, जिसको इस फिल्म को डायरेक्शन करेंगे दिनेश मिश्रा जी और प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे राजकुमार प्रजापति, और जिसको इस फिल्म को बनाने के लिए और इस फ्लोर पे आने के लिए हमने काफ़ी मेहनत मशक्क़त की है, और वो मालिक ने हमें साथ देते हुए इस मुकाम पे लाया है। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम चाहेंगे कि जब ये प्रोजेक्ट हम मार्केट में ला देंगे तभी हम आप लोगों के सामने बहुत कुछ ढेर सारी बातें करेंगे, अभी तो मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। तो माथेरान में रहता हूँ, बादल जी ने हमें बुलाया यहाँ पर मुहूर्त के लिए, लेकिन क्या है आजकल मार्केट में नाम से चीज बिका जाती है, लेकिन ये पोस्टर और नाम के देख के बहुत बड़ी खुशियाँ हो रहा है, क्योंकि इनके लाइफ में अभी से शुरू होने वाला शायद आजकल बहुत काम मिल जाएगा, और इनको देख के बहुत खुशियाँ लग रहा है। ये जवानी के जश्न के ये तो लग रहा है देख के फुल हाउस होने वाला है, और इनकी अगली भी तमन्नाएं पूरी हो जाएगी, और इसके साथ काशी एक्सप्रेस भी नाम भी बहुत नाम पे पिक्चर बिका जाती है, और नाम भी बढ़िया लग रहा है पोस्टर भी, और इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के बाद आइए डालते हैं नजर यह फिल्म के टीम पर और जानते हैं उनसे कि इस फिल्म के बारे में उनका क्या कहना है। हमारा हार्दिक इच्छा यही है कि बादल जी अगर लगन से काम कर रहे हैं तो कंपनी हमारी हमेशा उनके साथ है, और अपना राजकुमार जी सहयोग में खड़े हैं, समर्थन दे रहे हैं, तो कंपनी आगे बढ़े, सबसे इससे अच्छा उचित और क्या होना चाहिए। एक कोशिश है जिसका सेंट्रल आइडिया बादल शेख ने दिया था और दिनेश भाई ने मुझे नैरेट किया था, तभी मुझे बहुत स्पार्किंग और बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगा, जो कि बेस्ड है काशी, जो कि विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर है, विष्णु जी की आत्मा है और शंकर जी के त्रिशूल पर टिका हुआ है, धर्म और शिक्षा का गढ़ है। लेकिन अचानक इस पूरी शिक्षा और धर्म का पूरी तरह राजनीतिकरण और व्यापारीकरण अपराधीकरण हो चुका है, उसी के अगेंस्ट एक कॉमन मैन का रिवोल्ट है, और इसका जो बेसिक USP है कि एवरी साइंट हैज़ अ फ्यूचर, एवरी क्रिमिनल हैज़ अ पास्ट एंड क्राइम इज जस्ट अ मिसडायरेक्टेड एनर्जी। एक्सप्रेस एक फिल्म ऐसी है जो कि बेस्ड है काशी के ऊपर, जो हम लोग कभी जाते हैं देखिए हमारे दिल में बहुत ही भावनाएं होती हैं काशी जाएंगे, नहीं आज के उसका कैसे तुष्टिकरण हो गया है, तो उसको हम दिखाना चाहते हैं कि हो क्या रहा है आज की, जहाँ हम नाम से जाते हैं कहीं और होता कुछ और है। तो आप पोस्टर जब देखेंगे तो उसमें दिखेगा कि आदमी जो है गायब है, मानवता ख़त्म होती जा रही है, तो उस तरह से हम लोग कैसे उस काशी को, पुरानी काशी को हम काशी कैसे लेके आएंगे, वो इस फिल्म में हम लोग दर्शाना चाहते हैं। वहीं इस फिल्म के गायक है राज, जिन्होंने अपने बेहतरीन गाने इस फिल्म में गाए हैं। इस फिल्म को प्रेजेंट कर रहे बिंदु फिल्म एंड म्यूजिक। इतना ही नहीं बल्कि इस फिल्म के साथ ही साथ दिनेश मिश्रा, राजकुमार प्रजापति और बादल शेख एक एल्बम भी लॉन्च करेंगे जिसका नाम है जवानी का जंक्शन, और इस एल्बम के गायक रमेश राज मौर्या हैं। मुझे बहुत खुशी है ये जो एल्बम बना रहे हैं, बादल जी प्रोड्यूसर हैं और दिनेश जी इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, मैंने उनके भी पहले काफ़ी सारे गाने गाए हैं, और ये जो गीत है जो अभी मैं गा रही हूँ ये रमेश जी चंद्र मौर्य ने लिखे हैं, उनका लिखा हुआ गीत है, उनके पहले भी मैंने काफ़ी सारे गीत गाए हैं, और इसका जो एल्बम का टाइटल है जवानी के जंक्शन, तो मुझे उम्मीद है सबको बहुत पसंद आएगा। बादल जी की जो ये प्रोडक्शन हाउस है जवानी के जंक्शन, मतलब ये आए थे लाइक जब मुझे इन्होंने बताया कि मतलब हमारा जो मतलब जो एल्बम है इसका नाम जवानी की जंक्शन है, तो वी वर लाइक अरे वाओ लाइक कुछ नया सुनने मिला, नहीं तो एकदम सट के पट के पता नहीं क्या क्या नाम आते थे, तो लाइक हैप्पी थी मैं कि ऐसे अलग नाम सुनने मिला। और सबसे अच्छी बात ये कि मैं इनके साथ पेयर में आ रहा हूँ काशी में, काशी एक्सप्रेस में, और इनके साथ एक एल्बम भी कर रहा हूँ ऑलरेडी। जहाँ तक है काशी एक्सप्रेस जो फिल्म है बहुत हटके है और अच्छा कुछ देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि बादल साहब हमारे डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को, कहते हैं इंसान छोटा हो या बड़ा हो काम काम होता है, तो वही चीज़ बादल साहब ने करके दिखाया। अभी सर जी बहुत स्वाभाविक इंसान है, बहुत अच्छे हैं, और जहाँ तक उनकी डायरेक्शन की बात की जाए तो बहुत अच्छे वो डायरेक्शन भी करते हैं। मुझे मौका मिल रहा है उनके साथ काम करने का, मुझे सबसे मतलब गौरव सर साली की बात ये है